हरे कृष्णा, वेलकम टू उड़ता आकाश चैनल। बहुत सारे लोग वृंदावन आते हैं, उनका एक ही सवाल रहता है कि हम वृंदावन आए तो हैं दो दिन के लिए या वीकेंड्स में हम आए हैं सैटरडे संडे में, तो हम वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन कैसे करें। तो ये वीडियो उनके लिए है जो वृंदावन पहली बार आए हैं या वृंदावन दो दिन के लिए आए हैं। ये पूरा वीडियो देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। जब भी आप वृंदावन पहली बार आओ या दो दिन के लिए आओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस्कॉन में जाना है। इस्कॉन में सुबह 4:10 पे श्रील प्रभुपाद की समाधि आरती होती है, वहाँ पे जाना है, और 4:30 श्री राधा श्याम सुंदर की आरती होती है। ये आरती हो जाएगी अगर आप जप वगैरह करते हो, हरे कृष्ण मंत्र का जप वगैरह करते हो तो 5:15 से लेके 7:15 तक आप इस्कॉन में जपा कर सकते हो। अगर आज तक आपने कभी जपा नहीं किया है तो इस्कॉन में ही 5:30 एक जपा सेशन होता है, उसमें ये बताया जाता है कि जपा क्यों करना है और कैसे करना है, और इसकी अनाउंसमेंट रोज मंगला आरती के बाद होती है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग ने अभी तक जपा नहीं स्टार्ट किया है वो ये सेशन जरूर अटेंड करें, विश्वास मानो मजा आ जाएगा। 7:15 पे दर्शन आरती होगी। दर्शन आरती करने के बाद, गुरु पूजा करने के बाद, गुरु आरती होने के बाद आप 7:45 तक आराम से फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको जाना है वृंदावन के 7 मुख्य मंदिर में। अगर आप पूछेंगे कि वृंदावन के 7 मुख्य मंदिर कौन से हैं, तो उसका भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो आपको वृंदावन के 7 मुख्य मंदिर के दर्शन करने हैं। जैसे ही आप इस्कॉन से बाहर निकलेंगे, आपको रिक्शा पकड़ के जाना है श्री श्री राधा मदन मोहन टेम्पल। वहाँ के दर्शन करते ही आपको जाना है श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल। राधा दामोदर टेम्पल के दर्शन के बाद आपको जाना है श्री श्री राधा श्याम सुंदर टेम्पल। श्याम सुंदर के दर्शन करते ही आपको जाना है श्री श्री राधा रमन टेम्पल। वहाँ के दर्शन करते ही उसके जस्ट बगल में ही गोकुलानंद मंदिर है, उनके दर्शन करने हैं। गोकुलानंद और राधा रमन के जस्ट पीछे ही श्री श्री राधा गोपीनाथ का मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने हैं। वहाँ के दर्शन करने के बाद आपको जाना है श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर, जो कि बहुत ही विशाल मंदिर है, वहाँ के दर्शन करना है आपको। वृंदावन के 7 मुख्य मंदिर के दर्शन करने में अप्रॉक्स आपके 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। मान लो अगर आप 8:00 गए हो तो 10:30 आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको जाना है बांके बिहारी के दर्शन करने, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेट खुलते हैं भगवान, थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो आपको बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद तुरंत आपको जाना है राधा बल्लभ के दर्शन करने, जो कि बांके बिहारी से बगल में ही है। राधा बल्लभ के दर्शन आपके हो गए। राधा बल्लभ दर्शन करने के बाद आपको जाना है कात्यायनी देवी मंदिर जाना है, कात्यायनी देवी के दर्शन करना है। कात्यायनी देवी के दर्शन करने के बाद आपको जाना है गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना है। गोपेश्वर महादेव के जैसे ही आपके दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास थोड़ा सा वक्त है, तो आप आएंगे निधिवन, उसके बाद सेवा कुंज। ये आपको दर्शन करने हैं दोपहर के 12:30 तक आपको दर्शन पूरा करना है। जैसे आपके ये दर्शन हो जाएंगे, आपको बैक टू होटल आना है, प्रसाद वगैरह पाना है, अच्छे से रेस्ट करना है। जैसे आपका रेस्ट करके हो जाएगा, 3:30 आप उठो फ्रेश वगैरह होके, 4:00 आप अपना घर छोड़ दो। जैसे ही आप 4:00 अपना घर छोड़ दोगे, आपको बाहर आना है, तो आपको सबसे पहले जाना है मीराबाई टेम्पल। मीराबाई टेम्पल के दर्शन करने के बाद उसके जस्ट बगल में शाहजी मंदिर है। शाहजी मंदिर के आपने दर्शन कर लिया, उसके बाद आपको जाना है रंगजी मंदिर। रंगजी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। रंगजी मंदिर दर्शन करते करते आपको मतलब अप्रॉक्स कुछ 40-45 लग जाएंगे। उसके बाद आपको आना है शाम को यमुना पे, यमुना आरती आपको अटेंड करनी है। यमुना आरती अटेंड करने के बाद थोड़ा सा बोटिंग वगैरह कर लो, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, यमुना आरती अटेंड हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है प्रेम मंदिर, क्योंकि प्रेम मंदिर देखने में वो रात को लाइटिंग वगैरह होती है तो ही बहुत मजा आता है उसको देखने में। तो आपको प्रेम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, आराम से प्रेम मंदिर के दर्शन करो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है। उसके बाद आपको आना है इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर में दर्शन करो। दर्शन करने के बाद आओ, अच्छे से प्रसाद पाओ। 9:30 तक अगर आपको वाकई में थोड़ा सा वृंदावन की गलियों में घूमने का शौक है रात को, तो आप थोड़ा सा 9-10 तक घूम लो, चले जाओ। उसके बाद आप तुरंत आके अपने बिस्तर पे आओ, सो जाओ। डे 1 में आपको इतने मंदिर के दर्शन करने हैं, ये थोड़ा सा जितने जल्दी हम करेंगे उतने ज्यादा मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वक्त लगता है मंदिर में दर्शन करने में, रश भी हो सकता है। तो ये मैंने जो मंदिर के बताए डे 1 में, आपको इतने इसमें करना है। अब हम जाते हैं डे 2। जैसे ही आपका दूसरा दिन स्टार्ट होगा, आपको क्या करना है, आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद आपको वृंदावन की परिक्रमा करनी है। अगर पॉसिबल है तो आप वृंदावन परिक्रमा पैदल कर लो, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप टमटम वगैरह ले सकते हो, टमटम के साथ में परिक्रमा कर लो। परिक्रमा करने के बाद आप आपके रूम पे आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद आप 7:30-8:00 आपको निकलना है बरसाना के लिए। बरसाना आप पहुंचे, सबसे पहले आपको जाना है राधा रानी मंदिर के दर्शन करने हैं। राधा रानी मंदिर दर्शन करने के बाद आपको जाना है नंदगांव। नंदगांव के दर्शन करने और बरसाना के दर्शन करने में अप्रॉक्स आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी वहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण कमल के दर्शन करने हैं। उसके बाद वहाँ पे वृंदा कुंड है, आपको वृंदा कुंड के दर्शन करने, वहाँ से करने के बाद आपको आना है नंदगांव के पास में ही आशेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके बाद वहाँ पे टेर कदम है, टेर कदम के आपको दर्शन करने हैं। अप्रॉक्स ये पूरा दिन दर्शन करने में आपको दोपहर के 1:00 जाएंगे, 1:00 तक आपके ये दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप थके नहीं हो तो आप रिक्शा वाले को बोल के आप आ सकते हो गोवर्धन।
गोवर्धन में आओ, राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद आप बैक टू वृंदावन आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, और शाम को फिर से आप जो लोकल टेम्पल के अगर दर्शन करना चाहते हो तो लोकल टेम्पल के दर्शन कर लो। अब आप सोचोगे कि मैं ये दो दिन के दर्शन होंगे कैसे, तो डे वन जो वृंदावन के लोकल टेम्पल्स हैं वो आपको टमटम का नंबर मैंने दिया है सुधीर तिवारी प्रभु जी का, आप उनके साथ में आप ये वृंदावन के दर्शन कर सकते हो। डे टू बरसाना वगैरह थोड़ा सा लंबा जाना है तो उसके कैसे दर्शन होंगे, तो उसके लिए आपको मैंने दीपक जी का नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको अच्छे से दर्शन करा देंगे। अगर दो दिन में आपने इतने मंदिर के दर्शन कर लिए तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एकदम मतलब मैंने पूरे डिटेल्स में बता दिया है। वैसे दो दिन में पूरे वृंदावन के दर्शन तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर सैटरडे संडे हमारे पास सिर्फ दो दिन का समय है तो हम इतने मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फैमिली के साथ में इसको शेयर भी कर देना, ताकि क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृंदावन के बारे में जानेंगे तो अच्छा है। हरे कृष्णा, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय।